वृंदावन बिहारी लाल के जय श्री भा
भागवत भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की साचे दरबार की जय। अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर तड़ित पीतांबरधारी अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंदकंद भगवान श्याम सुंदर की पावन सरसमयी परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवत कथा के रसिक वृंद शक्ति स्वरूपणी देवियों श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति के समस्त हमारे प्रभु के सेवक वृंद विद्वत वृंद विप्र वृंद संगीतज्ञ कलाकार वृंद कथा प्रसंग को विराम दिया गया था। इस कथा का रसपान करें तो रसपान करने से क्या मिलता है? जब तक किसी तत्व के बारे में किसी रस के बारे में हमको बोध न हो तब तक हमारे कदम उस ओर आगे बढ़ते नहीं। कथा में बैठेंगे कथा में जाएंगे क्या मिलेगा? तो बोले कथा का फल तो यह है कि जो देहधारी है उनका तो कल्याण होता है लेकिन जो देह त्याग कर यत्र तत्र कहीं भटक भी रहे हैं और उनके कल्याण के लिए भी प्रार्थना की जाए तो उनका भी कल्याण होता है। लेकिन भगवान की कथा में तीन जरूरी है, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण तो समझ गए आप लोग, सुनना।
मनन का मतलब भी समझ गए, मनन चिंतन, लेकिन निधिध्यासन ये थोड़ा शब्द क्लिष्ट हो सकता है। वैसे हमारे श्रोता सब सुबुद्ध समझ गए होंगे, ऐसा नहीं। निधिध्यासन का अर्थ होता है निश्चय। इसी को गीता में कहा है निश्चय आत्मका बुद्धि। गीता में इसी कहा है निश्चय आत्मिका बुद्धि। जैसे किसी कार्य के बारे में हम सुने, कोई भी कार्य हो उसके बारे में सुने, मनन किए, लेकिन जब तक निश्चय नहीं किए कि करना है तब तक वो कार्य सफल, ठीक है कि नहीं, तो श्रवण कर लेने मात्र से, चिंतन करने मात्र से भी कुछ नहीं होता है। उसके लिए तीसरा सूत्र है निधिध्यासन, निश्चय, निश्चय आत्मिका बुद्धि। हम लोग कथा श्रवण कर लेंगे, कक्ष में जाकर थोड़ा मनन चिंतन भी कर लेंगे, लेकिन जब तक निश्चय नहीं करेंगे कि हम जो श्रवण किए हैं, चिंतन किए हैं, वही करना है, तब तक हमको सफलता मिलने वाली नहीं। यही एक कथा की कमजोरी। हम कथा में बैठते हैं, अच्छा लगा, एंजॉय किया, आनंद किए, कुछ देर तक मनन चिंतन किए, उसके बाद चलो कथा की बात तो कथा की है, छोड़ो, अभी तो जीवन है ऐसा करने का, खाने पीने का बहुत सारी अवस्था पड़ी, देखा जाए। यही हमारी भूल है, यहीं से कथा व्यथा बन जाती है। और एक बात ध्यान रखना, यदि कथा श्रवण रसपान के बाद भी ऐसी प्रवृत्ति बनी है, इसका मतलब है कि माया के दलदल में आप फंस गए हो। अच्छा, जो माया का दलदल होता है, जैसे मिट्टी में भी दलदल होता ना, तो एक बार कोई फंस जाए और उसमें धीरे धीरे निकलने का प्रयास करे, तो जितना ज्यादा निकलने का प्रयास करता उतना ज्यादा वो अंदर जाता है। लेकिन एकाएक वेग से निकले, झटके से निकले तो बाहर आ जाए। उसी प्रकार ये माया का दलदल है। हम कथा में आए, मनन किए, फिर लगा अभी नहीं, चलो अभी हमारी जिम्मेवारियां हैं, थोड़ा सा अभी बच्चों की शादी कर लें, बहू घर में आ जाए, फिर तो हम स्वतंत्र कथा में जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन अब बहू आ गई पर एक समस्या हो गई, क्या नई नवेली है, लोगों को पहचानती नहीं है, इसलिए बैठना पड़ता है, पता नहीं कौन आ जाए कैसे आ। अब समस्या थी कि बहू आ जाए तो हम भजन करेंगे निश्चिंत होकर के, कोई चिंता, लेकिन अब दूसरी चिंता आ गई कि ये पहचानती नहीं किसी को, अब कोई आ जाए तो, अब हम चाहते तो है निकल जाए, लेकिन अब एक समस्या है कि वो पहचानती नहीं, अकेली घर में है, भयभीत है, ये क्या है, यही है माया का दलदल। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़ा समझने इसको, ये है माया का दलदल। और जब तक हम इसमें उलझे रहेंगे कि ये हो जाए फिर ऐसा करेंगे, ये हो जाए फिर ऐसा करेंगे, तब तक निश्चय आत्मिका बुद्धि में हमारा प्रवेश नहीं होगा। तब तक निधिध्यासन क्या है हम इसको समझ नहीं पाएंगे, और जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे मन में भ्रांति बनी रहेगी, हमारे मन में क्रांति बनी रहेगी। और जिस दिन ये भ्रांति दूर हो जाएगी, अभी आगे हम कुंती के प्रसंग में आपको दिखाएंगे, कुंती जी ने अपने मुख से कहा है, हे केशव, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो मैं जानती हूं, ना कौरव लड़े हैं ना पांडव लड़े, लड़ने वाले तो आप थे। जैसे कठपुतली का खेल होता है ना, तो कठपुतली के खेल में लगता है कि दोनों पक्ष फुदक रहे हैं, लेकिन सच बताओ कठपुतली के खेल में खेलता कौन, कठपुतली खेल रही है क्या, उसको खिलाने वाला तो कोई और है, और वो जब तक उसको खिला रहा है, उसको शक्ति दे रहा है, तब तक वो फुदक रही है, और जहां शक्ति देना बंद किए वहीं वो जहां थी वैसे हो गई। उसी प्रकार ये जो कथा है, जैसे मान लो ये शरीर बैठा और आप बैठे हो, तो दोनों शरीर कठपुतली है, ये शरीर भी और उधर भी, अब इसको नचाने वाला चलाने वाला है कृष्ण, सारा कार्य करने वाले हैं कृष्ण,
अब जब तक कृष्ण चाहेंगे जैसे फुदकाएंगे तो हम फुदकेंगे, उछालेंगे उछलेंगे। एक से एक अच्छे से अच्छे प्रवक्ता आते हैं कुछ समय के लिए, देखो सब छाए रहते हैं, और जब कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो वही प्रवक्ता भी मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। तो जो प्रवक्ता कहते थे कि मैं समाज का उद्धार कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो खुद मिट्टी में कैसे मिल गए? कारण क्या हुआ? यही उनकी भूल थी कि उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा। इसी के लिए कथा के तीन सूत्र हैं, श्रवण, मनन और तीसरा क्या है, निश्चय कह दो, निधिध्यासन भूल जाओगे आप लोग तो। निश्चय, निश्चय शब्द तो सरल है, निश्चयात्मिका बुद्धि जब आपकी होगी तभी यह कथा आपका कल्याण करेगी। जैसे हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमको यह कार्य करना है तो करना है, कार्यम व साधियम देहम व पातियम, या तो कार्य की सिद्धि या शरीर का त्याग, शरीर भी बचा रहे और कार्य भी हो जाए यह संभव नहीं, ऐसी हमारी इच्छा शक्ति। निधि ध्यासन का अर्थ हमारे मनीषी लोग ये भी करते हैं, जीवन में उतारना अपना अपना भाव है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ होता है निश्चय, एक संकल्प। हम जो सुने हैं, जो मनन चिंतन किए हैं, अब हमको वही करना है। और जब ऐसा सिद्धांत होगा तो वही कृष्ण आपके लिए सहायक बन जाएगा। जैसे मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं और कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन आपका संकल्प दृढ़ नहीं है, कभी इधर सोचते हैं कभी, तो जो सहयोग करने वाला भी अरे छोड़ो इसको, ये तो इसका कोई एक निश्चय नहीं है, ये कभी कहता है ऐसा करना, कभी कहता है, तो यहां सहयोग करने का कोई मतलब। लेकिन जिसका एक दृढ़ संकल्प है कि नहीं करना ही है और परेशान कितना हो लेकिन करना है, तो सामने वाला सोचेगा अरे भाई चलो थोड़ा इसका सहयोग कर दें, जब इसको करना ही तो इसका कार्य। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी आप लोगों की, एकदम सरल करके बता रहा हूं। वही है कृष्ण की कृपा का लक्षण, जब हम एक संकल्प कर लेंगे कि नहीं हमको तो बस यही करना है, कृष्ण के मार्ग में ही जाना है, वही कृष्ण की शक्ति हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाएगी, हम सफल हो जाएंगे। अभी हमारी स्थिति यह है हम इधर जाएं या जाएं तो जाएं का। इसके लिए एक बड़ा सुंदर सूत्र, बड़े सरल शब्दों में आइए उसका आनंद ले। क्या सोचता रे पागल मनवा, थोड़ा उसका आनंद ले, दो लाइन फिर आगे चलते हैं। आनंद के लिए तो आई है भाई, यहां आनंद लेने और आनंद लुटाने आए हैं। क्या सोच तरे, क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तेरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तेरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तेरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। रूठे खेलता, आगे का शब्द क्या है ध्यान देना, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई जीत गया कोई हार गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई जीत गया कोई हार गया। क्या सोच तेरे पागल मनवा, जो बीत गया
सो बीत गया क्या। सोच तेरे पागल मनवा जो बीत गया तो बीत गया। हमारे श्री कृष्ण जी का एक संदेश है। कृष्ण जी का बाबा हमारा नहीं है, मैं तो उनका संदेश वाहक हूं, उनकी कृपा है इसके लायक समझे। उनका संदेश है नित्य प्रति जागो। और जब जागो तो जागने का मतलब क्या है? सवेरा होने का मतलब रात गई तो बात गई। जो बात थी इसको छोड़ो, कल की बात कल पर छोड़ो, आज पर जीना सीखो। और जब आज पर जीने की आदत हो जाएगी तभी आपका प्रवेश होगा निश्चयात्मिका बुद्धि में। और इस बुद्धि में जब प्रवेश होगा निश्चयात्मिका बुद्धि में, कृष्ण की कृपा होगी तभी ये सारा खेल समझ में। इसलिए जागो। क्या सोच तेरे पागल मनवा जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तेरे पागल मनवा जो बीत गया सो बीत गया। तो आइए, कल जहां कथा को विराम दिए थे तो श्रवण मनन के साथ निधिध्यासन में प्रवेश करके हम लोग एक दृढ़ निश्चय निश्चयात्मिका बुद्धि में प्रवेश कर आगे की कथा का आनंद लें, जहां कल कथा के क्रम को छोड़े थे। कथा के प्रारंभ में जब भागवत जी मंगलाचरण किया तो भागवत जी का जो मंगलाचरण है ये संप्रदाय निरपेक्ष है। संप्रदाय विशेष से परे है। यहां जब नमन किया तो किसको नमन किया? सत्य स्वरूप परमात्मा को। क्या कहते हैं? जन्माद्यश यतोन्वयादितरतः चार्थेश विज्ञाश्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब मंगलाचरण किया तो सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन किया। देखो यहां न राम का नाम लिए, न कृष्ण का, न शिव का, न विष्णु का। राम का नाम लेने में कोई समस्या नहीं थी, कृष्ण का नाम लेने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक समस्या है। यदि राम का नाम लेते हैं तो कृष्ण के उपासक सोचेंगे ये राम के उपासकों की कथा है, वो इस कथा रस से वंचित रह जाएंगे। राम का नाम लें या कृष्ण का नाम लें, हम उस रस से वंचित रह जाएंगे। तो न राम का नाम है न कृष्ण का, क्यों? परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो है सत्य, सत्यम परम धीमहि।
चाहे राम के नाम पर पुकारो, चाहे कृष्ण के नाम पर पुकारो, चाहे शिव के नाम पर, कोई अंतर नहीं। और वैसे भी परमात्मा कोई दस बीस नहीं है, परमात्मा तो एक ही है। आपकी उपासना का भाव है, आप उसको किस रूप में लेते हो, तत्व एक है। अच्छा एक बात बताओ, जिसे नवरात्रियों में मां का विग्रह बनता है ना, उसी मिट्टी से दुर्गा का भी विग्रह बनता है और उसी से महिषासुर का भी बनता है। तब तो दोनों में एक ही तो है, अलग अलग तो नहीं है। अब बनाने वाले के अंदर भाव आया तो उसको महिषासुर का रूप दे दिया, या बनाने वाले के अंदर भाव आया तो उसको मां का रूप दे दिया। पत्थर का विग्रह बनाने वाला है, कोई गणेश का विग्रह बनाया, उसके मन में भाव आया गणेश का बना दिया। राम का भाव आया तो राम का बना दिया, कृष्ण का भाव आया तो। लेकिन नाम में भ्रांति है, कोई राम कृष्ण कह दोगे। जैसे मान लो जिस मां के भवन से हम लोग यात्रा में चले हैं, मां का स्वरूप राधा कृष्ण, राम जी का स्वरूप विराजमान है। अच्छा ये जितने विग्रह विराजमान है तो सब पत्थर के ही तो है कि नहीं? तो जो मां का स्वरूप है उसमें अलग पत्थर होगा और राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो अलग होगा पत्थर उसका। जो राम जी का स्वरूप है वो अलग तत्व होगा, उसमें वो न होगा। या जिस कक्ष में जिस भवन में आप विराजमान किए हो उसमें वो पत्थर मसाला अलग लगा होगा, वहां अलग होगा। ऐसे ही ना, नहीं है? सब में एक ही तत्व है, सब में एक ही है, तो भ्रांति कैसी है? ये भ्रांति हमारे मन की है। इस भ्रांति को पैदा कौन किया? इस भ्रांति को पैदा कर दिए कुछ स्वार्थी लोग। और दूसरा, हमारे अंदर का तत्व, हर मानव के अंदर पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, पांच तत्व हैं। पांच तत्व के पांच अधिष्ठात्र देवता हैं, गणेश, सूर्य, शक्ति, नारायण और शिव, पांच हो गए। अब जिसके अंदर जो तत्व होगा, अब मान लो किसी के अंदर आकाश तत्व है ज्यादा, तो सहजता उसका जो प्रेम होगा, उसके अंदर का जो लगाव होगा, वो शिव तत्व से हो जाएगा, शिव नाम से हो जाएगा। अब वो शिव नाम से होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों की? आ रही ना? यदि आपके अंदर जल तत्व है ज्यादा, तो आपका जो लगाव है सहजता नारायण के प्रति हो जाएगा। नारायण का मतलब राम कृष्ण विष्णु। अब जिसके अंदर जो तत्व विद्यमान है उसका वहां लगाव हो गया। अब पांचों तत्व अलग अलग तो नहीं है? यदि पांचों तत्व को अलग कर दें तो क्या शरीर की रचना होगी? नहीं होगी ना। अच्छा ये शरीर में आने के बाद क्या ये पांच तत्व अलग अलग दिखाई पड़ते हैं? तो परमात्मा अलग अलग कैसे? वो अलग कैसे हो गया? अलग नहीं है। अलग हमारे मन की जो भ्रांति है, हमारे अंदर का जो निधिध्यासन था, निश्चयात्मिका बुद्धि के अभाव के कारण हमारे अंदर भ्रांति हो गई। कैसे? हम किसी संत के पास गए, वो राम के नाम का उपासक था, राम की महिमा गा दिया, अरे राम जी अच्छे हैं। किसी ने कह दिया नहीं कृष्ण जी अच्छे हैं, अब हाँ कहते तो ठीक है कृष्ण जी अच्छे हैं। किसी ने कहा अमुक व्यक्ति वो देवी से बात करता, अच्छा देवी से बात करता है मुझे चलना है। किसी ने कहा वो हनुमान जी से बात करता, अच्छा हमको वहां जाना है। जो हनुमान जी से बात करने वाला होगा, जो शक्ति से बात करने वाला होगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। वो आपके सामने मौन हो जाएगा। साधकों के ऐसे ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं कि जिनको भगवत तत्व का बोध हो गया है, जिनके अंदर शक्ति तत्व प्रवेश कर गया है, वो संसारियों के सामने मौन हो जाते हैं। क्यों?
जीवन में मौन होकर के ही कुछ पाया जा सकता है। आप लोग जिस सत्संग में आए हो, इस सत्संग की चार सीढ़ी है बाबा। कितनी सीढ़ी है? चार। मन, मौन, मोहन और सत्संग, ये चार सीढ़ियां। ये चार सीढ़ी समझ में आ जाए कल्याण हो जाएगा। इसी के लिए निधिध्यासन दिया है। देखो यहां जितनी मूर्तियां विराजमान है, हर कोई कथा सुन रहा है, श्रवण सब कोई करता है। कितने वक्त आते हैं, हम लोग सुनते हैं, सुनना चाहिए, थोड़े समय के लिए मनन भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आज बहुत अच्छी बात बताए। अब वो कब तक याद रहेगी, कब तक ध्यान रहेगा, अलग विषय है, पर थोड़े समय के लिए वो ठीक है कि नहीं। लेकिन जो निधिध्यासन है, ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, इस तत्व को हम नहीं समझ पाए, यही समस्या हो गई। तो हमारा जो परमात्मा है, इसका मूल स्वरूप है सत्य। सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन किया। ये परमात्मा कैसा है? बोले यथा जन्मादिर ना हो, तो जो अजन्मा है, जिसका जन्म होता ही नहीं, जिसकी इच्छा शक्ति से सृष्टि का जन्म, पालन और संहार, जो त्रिगुणमयी माया का रचयिता है, लेकिन वो माया से परे है। त्रिगुणमयी माया का रचयिता होता हुआ भी माया से वो परे है। जल में रहता हुआ जल से वो अलग है। जिसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, जो स्वयं में सबका शासक है, ऐसा जो सत्य स्वरूप परमात्मा, उसको नमन किया। भागवत धर्म क्या शिक्षा देता है? कपट रहित धर्म की, कपट का त्याग करो। यदि हमारे अंदर कपट है, कालुष्य है, तो भागवत दर्श विकृत हो जाएगा। 100 ग्राम दूध भी हमको आपको किसी पात्र में डालना हो, तो पात्र को धुलते हैं कि नहीं? स्वच्छ करते हैं। 100 ग्राम दूध भी डालना है तो पात्र को स्वच्छ करते हैं, और इस शरीर रूपी पात्र में कृष्ण रस डालना है, इसको भी तो स्वच्छ करना पड़ेगा। भागवत धर्म कपट रहित धर्म की शिक्षा दिया है। भागवत क्या है? समस्त पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का जो परिपक्व रस है, सार है, ये सबका सिरमौर है, सबका तिलक है। वैष्णवों का ये धन है, अकिंचनों का धन है। भागवत किसका धन है? अकिंचनों का। भागवत किसकी संहिता है? ये परमहंसों की। परमहंस वृत्ति में जाने के बाद भी निधिध्यासन होता है, ये उनकी संहिता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मोहरहो रसिका भूवि भावुका। अरे भावुक हृदय, रसिक हृदय, बार बार तू इस रस का रसपान कर, बार बार इस कथा का रसपान कर। एक बार नहीं, बोले इस कथा को कब तक पीना है? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक जिएंगे तब तक। भगवान की ऐसी कृपा हो, जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, शरीर को चलाने के लिए पानी भी जरूरी है। अच्छा, भोजन और पानी के सहारे शरीर चल जाएगा? बोलो, दाल रोटी के सहारे शरीर चल जाएगा? ये हमारी आपकी भ्रांति है। दाल रोटी के सहारे शरीर नहीं चलेगा, शरीर चलेगा आत्म तत्व के सहारे। यदि शरीर के अंदर आत्म तत्व है, तब तो दाल रोटी भी सहायक होगी। पर आत्म तत्व निकल जाए और फिर किसी को दाल रोटी खिलाओ, खाएगा?
शरीर चलेगा। तो जैसे शरीर की खुराक है दाल रोटी, ठीक, तो शरीर जिसके सहारे चलता है आत्म तत्व, उसकी खुराक है भगवान की कथा। अच्छा, जिस व्यक्ति को मान लो साल में एक दिन खुराक मिले या सात दिन मिले, तो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा कि नहीं? साल में सात दिन उसको खुराक दी जाए बाकी ना दी जाए, तो उसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा। अच्छा जी, तो शरीर को चलाने के लिए आप कहते हो कि हमको दाल रोटी रोज जरूरी है, तो जिसके सहारे चल रहा है आत्म तत्व को भी तो खुराक देना जरूरी है, और उस आत्मा की खुराक है भगवान की कथा। और ये कथा केवल मृत्युलोक में सुलभ है, स्वर्गे सत्ये च कैलाश वैकुंठे नास्ते अमृषा, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत कर ही चित। नहीं रस स्वर्ग में है, न सत्य में, न कैलाश में, न वैकुंठ में, ये तो मृत्यु लोक में है। और एक बात ध्यान रखना, हमको आपको जब मानव का तन मिला ना, और वो भी भारतवर्ष में जन्म लेने का, तो आपके शरीर को देखकर देवताओं को ईर्ष्या हुई है। मानव को हो तो कोई आश्चर्य नहीं, मानव की तो प्रवृत्ति हो जाती है। अच्छा, ईर्ष्या करना भी अच्छी बात है कि नहीं? नहीं है? अरे अच्छी बात तो है। देखो, ईर्ष्या करेंगे अपने आप में जलते रहेंगे, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ेगा, भगवान तो ठीक ठाक करके भेजे थे, और हम ईर्ष्या करके अपने आप को जला लेंगे, भगवान का तो जाना। देवताओं को भी ईर्ष्या हो गई, भागवत में आगे आया है, अहो अमीषाम, अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम, प्रसन्न एषाम सुदत स्वयं हरे। ये कितने पुण्य कर्म किए हैं कि इनको मानव का तन मिला, और वो भी कहां? भारतवर्ष में। जिस भारत भूमि में मानव का तन पाने के लिए देवता रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जिस भारतवर्ष में आप लोग आए हो, यहीं पर आने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो आते हैं तप करके, देवता देवलोक में रहने वाले वो भी नीचे भाग के आते हैं। कितने बड़ा भागी हो आप लोग, मानव का तन मिला है। और उससे बड़ा फल ये है, देखो परमात्मा की पहली कृपा का लक्षण है मानव का तन। परमात्मा की पहली कृपा का लक्षण है मानव का तन। आपको मानव का तन मिला, ये उसकी कृपा है। अब इस तन को सार्थक करना है, कृतकृत्य करना है, तो आपको जाना पड़ेगा निधिध्यासन में, निश्चयात्मिका बुद्धि में। कैसे? कि परमात्मा हमको तन तो दिया है, लेकिन जो दिया है हमको उसके गुणगान में भी मस्त रहना है, चाहे कोई समस्या कोई विकृति हो हमारे अंदर। अच्छा, कोई विकृति आ जाए हमारे शरीर में तो हम भोजन पानी छोड़ देते हैं क्या? मान लो विवाद हो जाए तो भोजन पानी छोड़ देते हैं? नहीं। सोना तो कथा ही क्यों छोड़ दे? एक सामान्य बात, कई बार लोग कहते हैं अरे हमको तो कथा से विरक्ति हो गई, हमको कथा कुछ नहीं। अच्छा, क्यों हो गया? नहीं तो बाबा आपका प्रपंच चला जीवन में, तो भोजन तो नहीं छोड़े, लड़ाई के बाद भी रोटी खा लेते हो, प्यास लगती है तो पानी तो पी लेते हो, तो क्या सबसे बेकार भगवान की कथा ही है क्या? वो भी तो परीक्षण करता है कि देखो ये विषम परिस्थिति में भी हमारे पास आ रहा है कि नहीं। और जब विषम परिस्थिति में भी आप दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि को लेकर के चलोगे, तो हमेशा के लिए विषम परिस्थिति दूर कर आपको अपनी गोद में समाहित कर लेगा, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा।
कितने बड़भागी हो, भारत में मानव का तन, और वो भी कितनी बड़ी कृपा है, आप देख भी सकते हो, आप बोल भी सकते हो, सुन भी सकते हो, चल भी सकते हो, ये उसकी कृपा नहीं तो क्या है। मृत्युलोक में कई ऐसे प्राणी होंगे, मानव का तन मिला है लेकिन वो जीवन में कुछ देख, ऐसे कुछ मानव तो होंगे कि नहीं, ऐसे भी मानव होंगे जो जीवन में चल नहीं सकते, ऐसे भी मानव होंगे जो न सुन सकते ना बोल सकते। हमको आपको तो बोलने की ताकत दिया है, सोचने की ताकत दिया है, इसलिए इफरस्कार स्पान करना, कब तक बोले आले मोक्ष पर्यंतम, जब तक जिएंगे तब तक इफरस्कार स्पान करेंगे, और इस व्यसन को ये मान लेने की एक बीमारी है, कथा सुनना भी एक बीमारी है, और ऐसी बीमारी को पाल लेना तो कन्हैया वैद्य बन के आ जाएगा। जब मीरा जी को बीमारी लगी कथा की तो कन्हैया को आना पड़ा कि नहीं, परीक्षित के अंदर बीमारी लगी कथा की तो भगवान को आना पड़ा, प्रभु को बुलाना। अच्छा बीमारी में जब मरीज असाध्य हो जाए तो फिर डॉक्टर को चल करके आना पड़ता है। कथा की ऐसी बीमारी पाल लो कि कथा के अलावा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, तो कृष्ण कहेगा चल फिर मैं ही आता हूं तेरी दवा करने। इसीलिए क्या सोच तरे, रोज जागो, नित्य नवीन ये जो सूर्य की किरणें आ रही है ना, ये प्रभात वेला जो आ रही है, जो पक्षियों का शोर चहचहा रहा है, ये हमको क्या संदेश दे रहा है। और जब इस संदेश में प्रवेश होगा तभी नित्य नवीन कथा रस की भूख हमारे अंदर बलवती होगी। हमारा कहने का भाव, हम 7 दिन बैठ के कथा सुने अच्छी बात है, 365 दिन नहीं सुन सकते इस रूप में और सारा कार्य है, लेकिन एक क्रम बना ले कि हमको 365 दिन कथा रसपान करना है। तो महाराज कैसे करें, रोज कहां जाएं? आप जहां पर बैठे हो 10 मिनट के लिए, जो परिवार के आपके सदस्य हैं उसी के मध्य बैठकर, ये मान लो कि मैं ही कथावाचक, भगवान की कोई लीला, भगवान के नाम का गुणानुवाद, कुछ नहीं कर सकते संकीर्तन करो, ये तो कर सकते हैं ना। एक क्रम बना लो कि हमको नित्य प्रति करना है। और एक बात और ध्यान रखना, आप लोग सोचते होंगे ये ऐसे हाथ करके ये कौन सा नया फार्मूला लागू कर दिए, हरे कृष्ण, मन में ये बात तो आ रही होगी कि नहीं, इसको बता दें कि रहने दे, चलो ठीक। इसका भाव ये है, आप जब ठाकुर जी की सेवा अपने घर में करते हो ना, सेवा करने के बाद ऐसे हाथ करके बस 4 बार महामंत्र बोल लो, और इसका फल क्या है अगले साल की कथा में पूछ लूंगा आप लोगों से, कितना मिला है। ये प्रैक्टिकली आपसे ले लूंगा मैं, आप खुद बताओगे हमको क्या लाभ मिला है आपकी साधना में, आपकी आराधना में, भक्ति में कोई भी त्रुटि रह जाए कोई समस्या नहीं। द्रौपदी ऐसी तो पुकारी थी, कृष्ण को आना पड़ा था। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, आज कितने विदेशी लोग उनके नाम का न्यायी बन गए, महामंत्र की ध्वनि चलती थी, मिताई गौर हरि बोल गौरांग, क्यों भाई शास्त्री जी, गौरांग महाप्रभु की लीला, मिताई गौरांग की लीला, उन लीलाओं पर नहीं ले जाऊंगा आप लोगों को, मैं भागवत में रखूंगा। ये जो महाप्रभुओं की लीला हुई है, साधकों की लीला हुई है, ये उसकी मस्ती का राज है। आप लोग
ज्यादा नहीं जानते, छोड़ो नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा में 5 मिनट बैठते हो कि 2 मिनट अगरबत्ती दीपक कुछ तो जलाते हो ना, करते हो कि नहीं करते? करते हो तो अच्छी बात, नहीं करते हो पर इतना यदि करते हो उठने के पहले बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे यहां तो बोलो वहां ना बोलो कोई बात नहीं, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, आप इतना करके देखना इसका प्रतिफल क्या है वो आप खुद बताओगे, हमको क्या मिला इससे। आप कह सकते हो कि पहले क्यों नहीं बताया, इतने साल से आप आ रहे हो आज तक मिल जाता, ये भी कह सकते हो। लेकिन अच्छा ये बोलेगा कोई बात नहीं, कोई बोले ये इसलिए नहीं दिया कि जब तक घट के अंदर पानी डालने की पात्रता ना हो तो जल डालेंगे तो घट घुल जाएगा। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला मिट्टी का बर्तन बनाता है पानी भरने के लिए, लेकिन जब उसको विश्वास हो जाए कि अब जल डालने से घुलने वाला नहीं है तभी जल डालता है, यदि विश्वास हो कि यह घुल जाएगा तो जल उसमें डालता। अब ऐसा लग रहा है कि अब यह जल घुलेगा नहीं, ये आगे बढ़ाएगा, इसलिए हो सके तो अगले दिन की सेवा से रोज सायंकाल अपना आरती करो तब बोलो, सुबह करो तब, इतना इसमें कोई ज्यादा कठिन काम नहीं, कोई समस्या भी नहीं। योगा करने तो जाते हो इसे हाथ उठाते हो हा हा करना को, वहां पार्क में जाकर के ऊपर हाथ करो चिल्लाओ, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना कर लो सब कुछ हो जाएगा अपने आप। क्यों? हमारे कृष्ण ही तो योगेश्वरेश्वर हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योगेश्वरेश्वर कृष्ण सामान्य, इसलिए आप लोग इतना कार्य जरूर करना, ठाकुर जी की सेवा करो प्रातः काल या सायंकाल, जैसे सेवा से उठने के पहले, ठीक है ना, आप जब समर्पण करते हो पाठ का जप का तो समर्पण के पहले, अच्छा महामंत्र में पहले हरे राम बोला जाता है और बाद में हरे कृष्ण, लेकिन आपको पहले हरे कृष्ण बोलना है, हरे राम बाद में बोलना है। क्यों? उसका भी कारण बता दूं आप। हरे राम पहले बोलने का मतलब है कि उस प्रकार से मर्यादित व्यवस्थित हमारा यदि जीवन है तब तो ठीक है, और नहीं खाली बोल रहे हैं और है नहीं तो फिर फल भी भोगने को तैयार रहना। और हरे कृष्ण पहले शुरू करके बोल दिए हो आपका जीवन कैसे है इससे मतलब कृष्ण को नहीं है, कृष्ण आपका कल्याण करेंगे, यह दोनों का अंतर। लेकिन एक और काम करना, हरे कृष्ण ही बोलना, हरे कृष्णा नहीं बोलना। आजकल जब फेरी संकीर्तन में लोग निकलते हैं हरे रामा रामा रामा, राम और रामा का अंतर ही नहीं है क्या? हरे कृष्ण है कृष्णा नहीं है, यहां बोलते हरे कृष्णा, कृष्णा का अर्थ द्रौपदी होता है, कृष्णा का नाम तो द्रौपदी क्या है। अब आप अशुद्ध बोलोगे परमात्मा क्या करेगा? तो आप लोग कितने बड़भागी हैं इस भारत में मानव का तन मिला। अहो अमीशाम के मकारी शोभन प्रसन्न एशाम सुदता स्वयं हरि। हे प्रभु आप इनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की हो, और उस पर भी क्या कृपा हो गई, आपको मिल गई भगवान की सेवा भगवान की कथा, और इस कथा का व्यसन ऐसा हो कि हमको जब तक हमारा जीवन है इस कथा का रसपान तो कि नहीं, जो कथा की मस्ती की धार चली है इसको रोक दे कि चलने दे, चलने दे। अच्छा जी चलो अच्छी बात, तो चलने दे तो थोड़ा से दोनों हाथ करो तो हम माने उनको चलना चाहता है।
इस धार को ऐसे ले चलना है कि जब तक राधा कृष्ण की गोद नहीं मिले तो ये धार रुकने वाली नहीं है, ये धार वही विलीन होगी राधा कृष्ण की गोद में चल करके। इस क्रम को, इस मस्ती को लेके वहां चलो, एक एक सूत्र पर, एक एक सिद्धांत पर अपने आप को ढालो। और सिद्धांत कैसा बना के चलना है, जिस देश में जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधारमण राधारमण राधा रमण कहो देश में जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो जिस देश में वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण कहो देश में जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण कहो ढंग में जिस रंग में रहो राधा रमण राधा रमण कहो संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो राधा रमण राधा रमण कहो चाल में जिस ढाल में रहो राधा रमण कहो जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो राधा रमण राधा रमण रा
रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। समस्त वेदों का उपनिषदों का पुराणों का परिपक्व रस सूत और शौनक बैठे हैं निमिषारण तीर्थ में। सुखदेव परीक्षित गंगा के तट में शौनक इत्यादि ऋषि जिज्ञासु बनकर पिपासु बनकर सूत जी से संप्रश्न करते हैं, सूत जी उसका उत्तर देते हैं। यहां पर एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किए, बोले देखो जिस दिन कथा रस की मस्ती आ जाएगी, कथा से प्रेम हो जाएगा, तो बार बार उसी रस का रसपान करने की इच्छा बलवती होगी। एक कन्हैया के भक्त के पास बैठे, अच्छा लगा, कोई बात बोले, बोले आप जो सुनाते हो हम भूल जाते हैं। इस बात में मुझे एक दृश्य नजर आया, हमारे ग्वालवाल कन्हैया के गोपियां कृष्ण समझाते थे वो भूल जाते थे बार बार। क्यों? जब भूल जाएंगे तो दोबारा हमको समझाएंगे, और जब दोबारा समझाएंगे तो इनका सामीप्य मिलेगा, इनके पास बैठने का हमको। अच्छा वैसे तो हम किसी के पास नहीं बैठते हैं, पर किसी से कुछ जानना हो कुछ पाना हो, अरे वो चीज भूल गए इसलिए हम आपसे पूछने के लिए, ऐसा होता कि नहीं? मान लो किसी को किसी से बात करने की इच्छा है, लगाव है, तो कोई ना कोई बहाना निकाल के वहां वो होता कि नहीं होता? तो ये भी भगवान से प्रेम का एक लक्षण है कि कथा प्रसंग आप बताए थे लेकिन हम भूल गए। ये कोई अज्ञानता नहीं है, ये भगवान के प्रेम का एक लक्षण है, ये अच्छी बात है। भगवान के परम भक्त सूत कहते हैं देखो एक बार कथा का रोग लग जाए बस, ये कथा भी रोग ही तो है, बीमारी है, 3:30 का समय नहीं हो रहा, मैं देखता हूं भाई लोग एकदम भागते भागते आ रहे हैं, लेट हो जाएंगे। अब अवस्था उतनी नहीं है चलने की, अवस्था भले ज्यादा है पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये बीमारी है इसलिए दौड़ा रहे, अच्छी बात है। हम किसके लिए दौड़ रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं? अपने कृष्ण के लिए, कृष्ण की कथा के लिए। संसार के कार्य के लिए, माया के कार्य के लिए तो बहुत दौड़े, पर चलो आज हमारी दौड़ सार्थक हो गई। क्यों? आज हमारी दौड़ कृष्ण की कथा के लिए हो रही है। और दौड़ कब होगी? कथा के लिए, जब हमारे अंदर एक पिपासा होगी। सूत जी क्या कहते हैं सुनिए। वयम तो ना वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रणवताम ऋषज्ञानाम
स्वादु स्वादु पदे पदे। अच्छा मजे की बात, जब कथा की भूख भगवान की सेवा की भूख होती ना, वैसी कार्य कहो पैर में बहुत दर्द है, सूजन है, दिक्कत है, चल नहीं सकते, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हम 10 बार दौड़ जाते हैं। वैसे कोई बुलाए ना, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज शरीर कुछ ठीक नहीं है, आज चलने में तकलीफ हो रही, इच्छा नहीं है, पर भगवान के प्रेमी भगवान की सेवा के लिए दौड़ जाते हैं। क्यों, दर्द गायब कहां हो गया? वो भगवान का जो प्रेम है ना, प्रेम में दर्द होता ही नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, जिस प्रेम में दर्द की अनुभूति ना हो वो प्रेम भी अधूरा ही रहा करता है। कृष्ण तो हमारा ऐसा है कि दर्द तो देता ही है, बगैर दर्द के किसी को कुछ नहीं मिला है। एक सरल दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं, सामान्य किसी देवी को मां बनना है, बालक को गोद में देखना है, मातृत्व का सुख चाहिए, तो बालक के मुख का दर्शन करने के पहले प्रसव की पीड़ा की अनुभूत तो उसको करनी पड़ती है। तो संसारी बालक का मुख देखने के लिए यदि हम दर्द की अनुभूति कर रहे हैं, तो यशोदा का जो बालक है, देवकी का जो बालक है, उसका मुख देखने के लिए क्या थोड़ा दर्द नहीं सह सकते? और एक बार उसके लिए दर्द की अनुभूति कर लोगे और वो कृपा कर दिया, तो कभी दोबारा दर्द होने नहीं देगा। उसके मार्ग में दर्द भी है, बगैर दर्द के नहीं। और हमने कहते साधकों ने कहा, मीरा की तब पीर मिटे। मीरा जी का एक भाव है, मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य संवलिया होए। मीरा जी को दर्द हुआ कि नहीं? दर्द मीरा जी को भी हुआ है, दर्द तुलसी को भी हुआ है, भगवान के भक्तों को भी दर्द होता है, दर्द से ही इस कथा के लिए दर्द पैदा करो। और जब कथा के लिए दर्द पैदा करोगे तो कथा की सेवा में कितने दौड़ोगे, आपका दर्द माया का अपने आप दूर हो जाएगा, शरीर का दर्द अपने आप दूर हो जाएगा, फिर कैसी मस्ती आएगी। वयम तो ना वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत श्रणवताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। एक एक प्रसंगों में मस्ती, ऐसा भाव आए समझ जाना प्रभु की कृपा हो गई है। इसके बाद भगवान के 24 अवतार, यद्यपि अवतार तो अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, न भगवान की कथा का अंत है न अवतार का, लेकिन भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। अरे आप लोगों को हम पिछले बार भी बोल के गए थे कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल और गोधूली वेला में सायंकाल, इन नामों का स्मरण कर लो तो आपकी रात्रि भी अच्छी हो जाएगी, दिन भी अच्छा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही तो समस्या है।